मेडिसिन से रिलेटेड नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम का, और इस क्रीम के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, इस क्रीम के यूज एंड साइड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारा और भी ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम मैक्लोड्स कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है और ये काफी ज्यादा मशहूर है मार्केट में, और इसका 15 ग्राम की पैकिंग आती है जिसकी MRP प्राइस के बारे में हम बात करें तो 88.75 रुपए है, और ये हर एक मेडिकल पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है उसके बारे में। क्लोविटासोल, प्रोपिनेट, नियोमाइसिन सल्फेट एंड मिकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम। फ्रेंड्स, ये एक स्किन क्रीम है, और आइए अब बताते हैं हम आपको इसके यूज के बारे में। इसका यूज फंगल इन्फेक्शन, दाद खाज खुजली, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सोरायसिस, एक्जिमा, चेहरे पे पिंपल्स या दाने फोड़े फुंसी को मिटाने के लिए इस क्रीम का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, इसे बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो काफी बेहतरीन होती है। फ्रेंड्स, इस क्रीम को आप जब भी उपयोग कीजिएगा तो डॉक्टर की सलाह लेके ही कीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे त्वचा छिलना, त्वचा पे जलन, त्वचा का पतला होना जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप इस क्रीम को चेहरे पे यूज करना चाहते हो पिंपल्स के लिए तो कम से कम मात्रा में यूज करना है या डॉक्टर के बताए गए हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम को और भी कई प्रकार के सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे कि इसे बच्चों से दूर रखना है, और जब भी आप इस क्रीम का उपयोग कर ले तो अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ कर ले, और इस क्रीम को जब यूज करने के बाद ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर दे। फ्रेंड्स, अगर आप और भी कोई क्रीम यूज कर रहे हो तो उसके साथ में इस क्रीम का उपयोग ना करें, और अगर आप इसको अपने फेस पे यूज करना चाहते हो तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है क्लोविटासोल, नियोमाइसिन और मिकोनाजोल, हो सकता है कि इससे आपके स्किन पे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसका टेस्ट कर ले। तो टेस्ट कैसे करना है कि कहीं पे भी आप थोड़े से क्रीम को ले ले और बैक साइड में जैसे हाथों पे या फिर अपने फेस के पीछे आप लगा के, कानों के पीछे लगा के टेस्ट कर सकते हो। अगर वहां पे आपको जलन ऐसा महसूस होता है या फिर छिल जाता है तो आप इस क्रीम को अपने फेस पे नहीं लगाइएगा। फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और भी वीडियोस आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।